गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके साथ लेके आए हैं एक आपका नया लेसन जो कि आपके आरबीएससी पनोरमा बुक का थर्ड लेसन है, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। दो छोटी छोटी कहानियां हैं जो लिखी गई है सुनिधि नम जोशी के द्वारा। ये दोनों कहानियां द गिटार प्लेयर और द स्वयंवर, ये दोनों इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत बड़ी कहानी उसमें से उठाई गई, एक बहुत बड़ी बुक है इनकी लिखी हुई द फेमिनिस्ट फैबल्स। फेमिनिस्ट फैबल्स जो इन्होंने लिखी थी 1981 में लिखी थी, इसमें से इन दोनों कहानियों को उठाया गया द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। सुनिधि नम जोशी बेसिकली इंडियन है, इनका जो जन्म हुआ था वो इंडिया में हुआ था, उसके बाद ये कनाडा चली गई और करंट में जिस समय ये बुक पब्लिश हुई थी उस समय तक ये यूके में रह रही थी। ठीक है, ये इंडिया की टॉप मोस्ट जो लेडीज हैं इंग्लिश राइटर्स उनमें इनका नाम आता है सुनिधि नम जोशी का। बहुत सारी इनकी स्टोरियां लिखी हुई है, हम यहां सिर्फ इनकी दो छोटी छोटी स्टोरी पढ़ेंगे, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। इन दोनों कहानियों के अंदर इन्होंने समाज का एक ऐसा दृष्टिकोण दिखाया है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों की कैसी सोच है, महिलाएं कहां तक जाना चाहती है और पुरुष उसमें कहां तक बाधा बनते हैं, ये दोनों कहानियों में ये दिखाया गया। बेसिकली हम पहले पढ़ लेते हैं द गिटार प्लेयर। गिटार प्लेयर इनकी मैं पहले बता चुका हूं, अ फेमिनिस्ट, द फेमिनिस्ट फैबल्स जो 1981 में लिखी हुई है उनमें से लिया गया है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कहानी होती है एक लड़की की जो एक बहुत ही अच्छा गिटार बजाती है, बहुत ही अच्छी ध्वनि निकालती है, उसमें से ध्वनि निकालती है, बहुत अच्छी लड़की होती है। जब शुरू होती है जिस समय वो एक फाउंटेन के पास बैठकर अपनी धुन बजा रही होती है, म्यूजिक बज रहा होता है, अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, तो वहां से दो पासर्स बाई रास्ते से गुजरने वाले लोग गुजरते हैं, दोनों एक एक करके गुजरते हैं। पहला व्यक्ति जब आता है तो वो धुन बजा रही होती है, तो इसकी धुन सुनकर वो व्यक्ति वहां रुक जाता है। रुकने के बाद काफी देर तक उसकी धुन सुनता रहता है, लड़की का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो अपनी म्यूजिक की ध्वनि को रोककर उसकी तरफ ध्यान लगाकर उससे पूछती है, क्या आपको मेरा म्यूजिक पसंद आया? तो जवाब, व्यक्ति जवाब देता है कि मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। थोड़ी समय बाद लड़की वापस अपना गिटार बजाना शुरू कर देती है। थोड़ी समय बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी वैसे ही उसका म्यूजिक सुनकर वहां रुक जाता है। रुकने के बाद लड़की का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है, अपना म्यूजिक रोकती है, फिर उससे पूछती है कि आपको मैं पसंद आई या मेरा म्यूजिक? तो लड़का कोई जवाब नहीं दे पाता, वो कहता कि जी मुझे पता नहीं कि आप पसंद आए या आपका म्यूजिक। कहानी यहां तक आ जाती है, दोनों लोग गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, लड़की अपने धुन बजाने में व्यस्त रहती है। रात को दोनों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चलते हैं, दोनों लड़कों के दिमाग में वो सो नहीं पाते हैं रात भर, यही सोचते हुए कि उस लड़की को क्या जवाब दिया जाए। अगली सुबह वो प्रिपेयर होके आते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर, कौन सी बात का कौन सा जवाब देना है, प्रिपेयर होके आते हैं दोनों और लड़की के सामने आकर कहते हैं, पहला कहता है कि मुझे आप पसंद है, दोनों का बेसिकली एक ही जवाब होता है लगभग कि मुझे आप पसंद है। दूसरा कहता है कि भले ही आपको म्यूजिक का कह भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, फिर भी आप मुझे पसंद है, आपको म्यूजिक नहीं बजाना आता तो भी आप मुझे पसंद होते। तो लड़की कहती है कि आप रियल मायने में मुझे पसंद करते ही नहीं है, अगर आपको मैं पसंद होती तो आपको मेरे हर चीज पसंद होती, मेरी रुचियां, मेरे शौक, मेरा म्यूजिक और भविष्य में जो कुछ भी मैं बनने वाली हूं या वर्तमान में जो कुछ हूं वो सब चीजें आपको पसंद होनी चाहिए, अगर पसंद है तो ही आप मुझे पसंद कीजिए कर सकते हो। देखिए ये लिखा हुआ, डिस्पाइट अ गर्ल हु वॉन्ट्स हर टैलेंट स्किल्स एंड द आर्ट दैट शी प्रोसेस टू बी ग्रेटली वैल्यूएबल रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन इंपॉर्टेंस, ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में उसे लव कर सकता है जो उसके द्वारा जो उसके शौक है उसको सही वैल्यू दे, उसको आदर दे, सम्मान दे, सत्कार दे, उसकी हर बात माने। तो लड़के कहते हैं
बोथ बॉयज पासर वाइज कहते हैं, क्या हमने जवाब गलत दिया है? लड़की कहती है जी आपका जवाब गलत है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और लड़की वापस से अपना म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। ठीक है, यहां तक एक स्टोरी पूरी हो गई है। कौन सी? द गिटार प्लेयर, जिसमें एक लड़की की कहानी है जो म्यूजिक बजाती है, म्यूजिक से ही उसकी पूरी पूरी कहानी उसमें चलती है। इसी तरह दूसरी कहानी है स्वयंवर। बेसिकली स्वयंवर होता क्या है? स्वयंवर अब के टाइम तो बंद है, पहले हुआ करता था महाभारत कालीन में या रामायण में। जैसे रामायण में आप लोग देखते हैं स्वयंवर हुआ था माता सीता का, अपनी इच्छा से उन्होंने अपने पति को चुना था, वो था स्वयंवर। अंतिम बार स्वयंवर का अगर कहीं वर्णन आता है तो पृथ्वीराज रास्तो जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी उसमें अंतिम बार स्वयंवर का वर्णन आता है, उसके बाद स्वयंवर नहीं हुआ। जो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी बताई जाती है उसमें अंतिम बार स्वयंवर बताया जाता है, उसके बाद आधुनिक युग में स्वयंवर नहीं होता। स्वयंवर होता था एक प्रथा थी जिसमें एक लड़की को अपनी इच्छा से अपना पति चुनने का अधिकार होता था। एक काफी सारी, बेसिकली आप यूं समझ लीजिए कि एक शॉपिंग मॉल होता था जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे और लड़की अपनी पसंद से किसी भी प्रोडक्ट्स को उठा सकती थी। कहने का मतलब ये था कि जिस लड़के के गले में उन्होंने माला डाल दी उसी से उसकी शादी हो जाती थी, वो अपनी मर्जी से अपना व्यक्ति चुनती थी, वो था स्वयंवर। ये भी फेमिनिस्ट फेबल्स 1981 में जो लिखी गई थी उसमें से उठाया गया है। इसमें क्या होता है, एक लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी राजकुमारी की कहानी है जो किस चीज में माहिर है, विस्की सीटी बजाने में माहिर है और सीटी बहुत ज्यादा बजाती है वो। उसके माँ बाप उसे बार बार मना करते हैं, रोकते हैं कि सीटी मत बजाया करो, सीटी मत बजाया करो, लेकिन वो सीटी बजाने की आदत उसकी नहीं छूटती है। उम्र के साथ साथ उसकी सीटी की आदत बढ़ती जाती है और वो सीटी के अंदर परफेक्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छी सीटी बजाती है। होता क्या, जैसे बड़ी हो जाती है तो उसके मम्मी पापा यानी राजा और रानी को टेंशन हो जाती है, किंग एंड क्वीन दोनों को टेंशन हो जाती है कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो सीटी बजाती हो। हु मैरी अ गर्ल, हु मैरी अ विस्लिंग वूमेन, कौन ऐसी महिला से शादी करेगा जो सीटी बजाती हो। तो वो क्या, राजा क्या कहते हैं, चलो हम कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ सही निकल आए। एक स्वयंवर का आयोजन करवाया जाता है राज्य के अंदर, उनके किंगडम के अंदर, और ये घोषणा कर दी जाती है राजा के द्वारा, किंग्स ऑफर्स हिज हाफ किंगडम। राजा ये घोषणा कर देता है कि जो कोई भी प्रिंसेस से शादी करेगा उसको मैं अपना हाफ किंगडम दे दूंगा, मेरा आधा राज्य उसको दे दूंगा। ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है क्योंकि हाफ किंगडम मिल रहा होता है तो हर कोई चाहेगा अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और जिस दिन स्वयंवर का आयोजन होता है उस दिन जो हॉल होता है वहां इतना ज्यादा भर जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती और इतना लाउड वहां साउंड हो जाता है, काफी सारा साउंड हो जाता है, वहां कुछ भी नजर नहीं आता, बहुत ज्यादा लाउडली साउंड हो जाता है। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और कुछ लोग तो उनमें से जिनको म्यूजिक की समझ भी नहीं थी, सीटी बजाना भी नहीं आता था, वो भी पहुंच गए थे। धीरे 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 सब निकलते गए, लास्ट में कुछ लोग बचे थे जो वाकई मायने में अच्छी सीटी बजाते थे, लेकिन इस प्रिंसेस से बेस्ट सीटी कोई भी नहीं बजा पाता था। सबसे बेस्ट सीटी प्रिंसेस बजाती थी। प्रिंसेस ने क्या किया, उस प्रतियोगिता में सबको हरा दिया। कोई भी इसको विस्लिंग की जो कंपटीशन था उसमें कोई हरा नहीं पाया। तो राजा भी परेशान कि हमने जो योजना बनाई थी वो फेल हो गई, अब क्या करें। तो प्रिंसेस क्या बोलती है कि अपने पापा से, किंग से, कि आप मुझे एक मौका दीजिए, क्या पता बेस्ट निकला। तो ये क्या कहती है, सभी के पास जाती है, उनसे क्वेश्चन पूछती है सभी के पास जाकर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो हराया है वो सही मायने में सही हराया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको सही हराया है या ऐसा लगता है कि बेईमानी से हराया गया। तो सारे लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं कि नहीं, ये तो चीटिंग है, ये गड़बड़ है, ये है,
आप कोई ना कोई जादू टोना जानते हो, ये करते हो, वो करते हो, तमाम ऐसी बातें बनाई जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी सीट ही बेस्ट है, आप हमें हरा ही नहीं पाते सिवाय एक को छोड़कर। कितनों को छोड़कर? सिवाय या सिंगल मैन जो ये मानता है कि जी मैं मानता हूं कि मुझे ईमानदारी से हराया गया है। राजकुमारी अपने पापा के पास जाती है, किंग के पास जाके कहती है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर मैरी हिम, मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं अगर ये चाहे तो। इस तरह राजकुमारी को उसका हस्बैंड मिल जाता है। इस तरह कहानी खत्म होती है। जो स्टोरी थी वो थी दिस स्टोरी इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम एंड फोकस ऑन द सेंट्रल सेट्रोल्स। ये जो दोनों की दोनों कहानियां थी मैं शुरू में बता चुका हूं कि समाज के अंदर महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण कैसा है। पुरुष हर जगह अपने आप को बेस्ट समझते हैं, वो ही मानते हैं कि सब कुछ हम हैं, महिलाओं को दबाकर रखना चाहते हैं, जबकि महिलाएं भी आगे बढ़ने का मौका चाहती है, वो भी चाहती है कि उनकी वैल्यूबल को पहचाना जाए, उनको जाना जाए, उनके अंदर जो अच्छे गुण है उनको समाज के अंदर लाया जाए। इस तरह करके ये कहानी आती है पूरी की पूरी, जो लिखी है गिटार प्लेयर और स्वयंवर। इस लेसन में से क्वेश्चन दो तीन तरह से बनते हैं। जैसे गिटार प्लेयर के अंदर ये बनता है कि वो जो लड़के आए थे उन्होंने क्या जवाब दिया और महिला ने जो गिटार प्लेयर जो लड़की थी उसने उनको क्या जवाब दिया, राइट आंसर क्या था, ये पूछा जाता है। स्वयंवर में से ये पूछा जा सकता है कि स्वयंवर क्या होता है, पहला क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि स्वयंवर क्या होता है, एक ऐसी ट्रेडिशनल होती है, एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें अ वुमन राइट टू चूज हर हस्बैंड, एक महिला को ये अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से अपना पति चुन सके, वो स्वयंवर होता है। ये प्राचीन टाइम में हुआ करता था, मॉडर्न टाइम में अब नहीं होता है स्वयंवर, ठीक है। दोनों कहानियां आप लोग पढ़ चुके हो, गिटार प्लेयर भी और स्वयंवर भी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।